और केस स्टडी, असर्शन रीजन और केस स्टडी के सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्यों है? क्योंकि हम वी आर डूइंग एवरी डे, इतने दिनों से हम ये चैप्टर कर रहे हैं, तो आपका कंसेप्ट काफी क्लियर है एंड आई होप यू कैन डू दिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू आंसर्स ऑफ असर्शन रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बी है, थर्ड क्वेश्चन का है फिर से बी, क्वेश्चन नंबर फोर का है डी, एंड क्वेश्चन नंबर फाइव का है आंसर आपका ए ऑप्शन। ओके बच्चे, इनके आंसर्स लिख लो, प्लीज रीड एट होम। आपको घर पे आराम से बैठ के इनको अंडरस्टैंड करके मैच करना आंसर्स कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, एंड जब इसको करोगे आप, ठीक है, नोट डाउन करके रखना, नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे किसी भी चैप्टर के लिए, चाहे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब भी हम वी विल डिस्कस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई यू कैन आस्क मी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एवरीबडी हैज रिटन आंसर्स? सबने आंसर लिख लिए बेटा? मैम। ओके, केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चन में आपके पास डायग्राम आपकी जानी पहचानी है, मैं इसको डायग्राम को कंप्लीट करती हूँ, आपको हिंट दे देती हूँ कि देर इज दिवाली सेलिब्रेशन इन स्कूल, गर्ल्स आर आस्ट टू प्रिपेयर रंगोली इन ट्राइंगुलर शेप, दे मेड अ रंगोली इन शेप ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वेयर द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी आर गिवन। ठीक है, आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ केस स्टडी का, कि आपने करना कैसे है, शुरू कैसे करना है। क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था। केस स्टडी में आपको बेटा ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो इसमें आपको साइड दी हुई है, ए बी आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ए सी आपको दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, एंड बी सी आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है हमारा कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी, वेयर क्यू इज द पॉइंट लाइंग ऑन ए सी, देन ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट। आपको दिख रहे हैं ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमने ये पता चल रहा है, हमें ये क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि हमें आर क्यू और पी जो है मिड पॉइंट लेने पड़ेंगे इनके, पी क्यू आर। ठीक है, जब ये आप इनके मिड पॉइंट लोगे और इनको ज्वाइन करोगे एक ट्राइंगल बनेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आपको याद है ऐसा क्वेश्चन किया था हमने? डू यू रिमेम्बर? आपको याद है ये ट्रायंगल में हमने मिड पॉइंट्स लिए थे और इनको ज्वाइन करके एक फिगर बनाई थी? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसको एक बार रिवाइज करना, उसके बाद इनके आंसर्स करना। ठीक है, एक और हिंट मैं दे रही हूँ छोटा सा, ताकि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। आपको ये बताया गया था कि जो अंदर वाला ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स इसकी हाफ होती है, क्योंकि आर और क्यू मिड पॉइंट दिए हुए हैं। जब मिड पॉइंट दिए होते हैं तो आर क्यू जो साइड होती है वो सामने वाले साइड की हाफ भी होती है और पैरेलल भी होती है। हाफ का मतलब क्या है? आर क्यू की लेंथ कितनी होगी अगर ये बी सी हमारे पास 28 है तो? गैस कौन बताएगा बेटे? या 14, किसने बताया 14? रेज योर हैंड। बिल्कुल ठीक है, इट इज 14, प्लीज राइट डाउन। इनको छोटा छोटा अपनी डायग्राम कंप्लीट कर लो, फिर आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। हिंट के फॉर्म में इसको लिख लो। ठीक है बेटे, आपको बताया था कि जब टू मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था, व्हेन वी ज्वाइन टू मिड पॉइंट्स इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। तो इसका मतलब कि अगर ये 28 है तो उसके सामने वाली 14 होगी, उसकी हाफ होगी, ऐसे ही बाकियों के साथ होगा। ये 25 है तो इसके सामने वाली पी क्यू जो लेंथ होगी वो 25/2 होगी, चाहे वो डेसिमल में आएगी कोई बात नहीं, डेसिमल में लिख लेना। ठीक है, और सिमिलरली जो आर पी लेंथ है वो 26 की हाफ होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। डायग्राम बना के यू कैन लीव द पेज, ट्राई एट होम। केस स्टडी के क्वेश्चन जो जो हर क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन दी हुई है, वैसे वैसे सिचुएशन लेके अपने आंसर्स करना, और अगर आप चाहते हो तो मैं इनके आंसर्स बता देती हूँ आपको।
ताकि आपको घर पे फिर मुश्किल ना आए. यू वॉन्ट टू नो देयर आंसर ऑल्सो? मैम ओके. फर्स्ट का आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी में, इसको मार्क कर लो, बस करना अपने घर पे है. सी ऑप्शन आ रही है बेटा, इट इज QC. क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन आ रही है 14 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन आ रही है 14 सेंटीमीटर. साइड पे अपने आंसर्स लिख लो. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इसमें आ रहा है आपका बी ऑप्शन 39.5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आ रही है 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. जब ये क्वेश्चन करोगे आपको वो पिछला क्वेश्चन बेटा एक बार रिवाइज करके करना. हमने ऐसा क्वेश्चन जब किया था कि अंदर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था, फिर हमने उसको बताया था कि जो अंदर वाला ट्राइंगल होता है उसका एरिया 1/4 ऑफ द फुल ट्राइंगल होता है. ठीक है, पहले वो क्वेश्चन रिवाइज करना, उसके बाद हम लोग करेंगे ये. आई मीन आप करना इसको. फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन आ रही है, इट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ठीक है बेटे, तो इसको आप ट्राई करना घर पे. और अगर आप फुल इंटरेस्ट से करोगे, समझ के करोगे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका पूरा, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से आपके आंसर मैच करेंगे. ठीक है, अभी मैं आपको जो करवाऊंगी वो करवाऊंगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नीचे वाले जो हैं. ठीक है, उसमें थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प चाहिए होगी, इसलिए आई विल हेल्प यू. एंड असर्शन रीजन और केस स्टडी आप खुद करना. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, फिर मैं इसको क्लीन करूंगी. यस, चलिए क्लीन इट. नोट कर लिया सबने? मैम यस, ओके. क्वेश्चन नंबर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट. लेट एबीसी बी एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विथ एबी इज इक्वल टू एसी एंड लेट डीई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स. दी हुई है आपको बीसी सीए एंड एबी रिस्पेक्टिवली. शो दैट एडी इज परपेंडिकुलर टू एफई. ठीक है, एंड एडी इज बाइसेक्टेड बाय एफई. दो चीजें आपको बतानी है, आप भी क्वेश्चन पढ़ो. ठीक है, टू टाइम्स रीड करो, मेरे क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले दो टू टाइम्स उसको रीड करो, ताकि आपको समझ आए कि गिवन क्या है इसमें. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ट्रायंगल आपको दिया हुआ है. इसमें आपको जो नेम दिए हुए हैं बी डी ई एफ, उनकी ड्रॉ करूं यहाँ पे. डी ई एफ 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं. ठीक है, और ये भी बताया गया है कि ये मिड पॉइंट्स हैं. मिड पॉइंट्स हैं तो फिर इसका मतलब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है नीचे एक ट्रायंगल बनेगा. मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये सारे आपस में इक्वल है, ये साइड इक्वल है आपस में. ठीक है बेटा, ई सी इज इक्वल टू ए, बी एफ इज इक्वल टू एफ ए एंड आपका बी डी इज इक्वल टू डी सी. मिड पॉइंट का मतलब यही होता है, पता है आपको, है ना? तो हम पहले गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में आपके पास जो जो चीजें हैं उनको लिख दो. आपके पास है ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है. आइसोसेलेस का मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी नहीं भी दिया हो तो आप खुद भी लिख सकते हो. सबको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ये नाम सुना हुआ है आपने, आइसोसेलेस? यस, सुना हुआ है. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ है, साथ में आपको डी ई एफ मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप बता सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप सब कुछ कि हमारा बी एफ इज इक्वल टू एफ ए है
और दूसरा आपका बी डी इज इक्वल टू टी सी है, और तीसरी चीज आपको दी हुई है ए ई इज इक्वल टू ई सी। जो जो आपको दिए हुए हैं उनको लिख लो यहाँ पे, क्योंकि हमने उनको ऐसे ही यूज करना है, साइड की फॉर्म में यूज करना है। अगर आप सोचोगे कि मिड पॉइंट दिया हुआ है इसको लिखने की क्या जरूरत है, तो आपको ये जो डायमेंशन है, ये जो साइड दी हुई है छोटी छोटी, इनको आपने ई के बदले में अगर ई सी हमें लिखना पड़ा आगे कहीं क्वेश्चन में, तो लिख पाएंगे इसको देख के। ठीक है बेटे, तो हमें शो क्या करना है, शो दैट ई डी इज परपेंडिकुलर टू एफ ई, इसको भी लिख लो। शो दैट, जो चीज पूछी गई है उसको लिखो ई डी। अब ई डी को ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ई डी इज परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, क्या पूछा गया है कुशाल? आई थिंक ओके, राजवीर 9th A, यस, आर यू देयर? क्या बताओगे, ईडी किसके ऊपर परपेंडिकुलर पूछा गया है? ईएफ के ऊपर, एब्सेंट है, ओके इट्स ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे ईडी इज परपेंडिकुलर ईएफ, शो करना है। और दूसरा शो करना है कि ईडी इज बाइसेक्टेड बाय एफई, एंड ईडी बाइसेक्स ई एफ, ठीक है। दो चीजें हमने प्रूव करनी है। अब बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि उसको टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है ई एफ को, ओके। तो हमने धीरे धीरे क्या करना है, आपको ये भी दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर भी शो करना है, ये भी शो करना है, और इसको बाइसेक्ट भी करना है, दो चीजें बतानी है। तो आप शुरू कहां से करोगे, आपको पता है कि ये मिड पॉइंट जो दिए हुए हैं डीई, डी एंड ई जो है मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता है कि सिंस, यहाँ पे लिखो सिंस डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स देयरफॉर, ये मिड पॉइंट्स हैं, तो डीई जो साइड होगी वो इसकी हाफ होगी। किसकी हाफ होगी बेटा, कौन बताएगा? ये आपने थ्योरम की हुई है, मिड पॉइंट थ्योरम। अमरजीत 9th B, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि ये किसके पैरेलल होएगी और किसकी हाफ होएगी, डीई साइड, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। शाबाश, बोलो, माइक के पास आके बोलो बेटे, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई MBA या ए बी? यस, हाफ ऑफ ए बी है, सामने पता है आपको मिड पॉइंट थ्योरम से। एंड और क्या है इसके साथ, डी ई जो है वो ई बी के पैरेलल भी है, ठीक है। रीजन लिख दो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम आपने बता दो यहाँ पे, रीजन भी बताना पड़ेगा आपको कि क्यों है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, वो थर्ड साइड की इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, ठीक है बेटा। लेकिन आपको पता है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, बट ए बी हमें ए सी के इक्वल दिया हुआ था, गिवन था ये, क्योंकि वो आइसोसेलस ट्रायंगल था। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, उनका हाफ ऑफ कर सकते हो आप, दोनों का हाफ है। अब ए बी का हाफ क्या लोगे आप, ए बी का हाफ, अभी अभी आपने लिखा कि वो डी के इक्वल है, आई एम स्टार्टिंग हियर, ए बी का हाफ आप डी लिख सकते हो, अभी अभी प्रूव किया था आपने, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। और इसी तरह आप ए सी का हाफ क्या लिखोगे बेटा, ए सी यहाँ पे है, ए एफ सी के, या वेरी गुड, एफ डी, एफ डी बोला आपने, वेरी यस गुड, यस, इसके बदले में आप लिख सकते हो एफ डी, ठीक है। इसमें रीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो चीज आपने प्रूव कर चुके हो उसको हम आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहां तक कोई डाउट है आपको? नो डी इज इक्वल टू डी एफ हमारे पास आ चुके हैं, तो लेकिन हमें पता है, बट ए एफ
जो है इज इक्वल टू, हमें पता है कि इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है। क्यों ए एफ क्यों है बेटा, ए एफ क्यों ए बी का हाफ है, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। रीजन लिखो, बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी है एंड ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, वो भी मिड पॉइंट है, सेम रीजन हो जाएगा। मिड पॉइंट को भी तो यूज करना है ना हमने, ठीक है। अगर हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ये है तो इसका मतलब है कि हमारे पास आ गया डी ई इज इक्वल टू, डी ई इज इक्वल टू हमारे पास ए एफ हो गया और डी एफ, ये सारे आपस में इक्वल हो गए। कैन यू सी डी एफ इज इक्वल टू ए ई, ये सारे ही आपस में इक्वल हो गए हैं। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाले स्टेप को आपको, एक मिनट के लिए ओके नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सारे कुछ इक्वल कैसे होया, और अगर किसी को समझ आ चुके हैं दे कैन टेल मी कि इक्वल कैसे आया। नोट इट डाउन फर्स्ट, एनीबडी कोई बता सकते हैं ये सारे इक्वल कैसे आए हैं, डी इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू ए, सारे के सारे। क्योंकि जो डी ई है वो हाँ ए बी का हाफ है और यस जो ए एफ है वो भी ए बी का हाफ है, ये दो यस हाँ इक्वल आ गए। यस वेरी गुड, और जो ए एफ है, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो उसका हाफ भी इक्वल आ गया, ए वेरी गुड, इक्वल टू वेरी ए। यस, और दिस इज द रीजन, यस यस आई डी विल एफ वो यू, ए ई के इक्वल आ गया क्योंकि वो उसका हाफ भी, दोनों ए सी के हाफ है। यू हैव टोल्ड मी परफेक्टली, सेम चीज मैं बताने वाली थी और ये बताया किसने है, प्लीज स्टैंड एंड शो मी योर फेस। मैम नवजोत 9th एक्सीलेंट, उसने बिल्कुल ठीक बताया, अगर आप ध्यान से इनको देखोगे बेटे, सबको ध्यान से देखो, मैं सर्कल कर रही हूँ अभी जो जो आपको चीजें यहाँ पे उसने बोली हैं। उसने बोला कि डी इज हाफ ऑफ ए बी, फिर उसने बोला कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इसको यूज किया हमने, फिर हमने इसको यूज किया कि डी इज इक्वल टू डी एफ था, तो इसलिए वो सबके सब आपस में मिलते जुलते सब इक्वल है। यहाँ पे भी बताया कि ई एफ जो है वो हाफ ऑफ ई बी है, तो सबको सब मिक्सचर करके सबको लिखने के बाद हमारे सामने जो सिचुएशन आई है कि चारों के चारों आपस में इक्वल आ रहे हैं। कौन कौन से, डी ई ए एफ, डी ई ए एफ, ध्यान से देखो इसको, ई एफ सामने वाली लाइन है और डी डी ई और ए एफ दोनों आमने सामने वाली लाइन है, दिख रहे हैं आपको, सिमिलरली डी एफ एंड ए ई भी आमने सामने वाली लाइनें हैं। हम छोटे वाले ट्राइंगल को, इसको मैं डार्कन कर रही हूँ बेटा, ध्यान से देखो, हमारी जो आई है सिचुएशन अभी वो ये आई है कि ये पूरा का पूरा हमारा आमने सामने वाली साइड्स बन रही हैं। कैन यू सी, ओके, जो जो हमने लिखा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम वहां तक पहुंचे हैं तो हमें ये पता चल गया कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं, ओके, सारी की सारी। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि डी एफ जो है इसके ए सी के पैरेलल भी है, ए ई के, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ ई ए ई इज पैरेलल टू डी एफ, ओके, दोनों पैरेलल भी हैं, एंड डी ई इज पैरेलल टू ए एफ, ये भी है पैरेलल, ओके, तो देयरफॉर ये हमारे पास एक डी ई ए एफ जो है अंदर वाला जो है डी ई ए एफ एक रॉम्बस बन चुका है, देयरफॉर डी ई ए एफ इज अ रॉम्बस। हमने रॉम्बस क्यों बोला है इसको, क्योंकि उसके सामने वाली साइड सारी इक्वल है, आपको पता है रॉम्बस में साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको रॉम्बस का नाम दिया है कि साइड्स जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है बेटे, तो इसलिए ये रॉम्बस है। अभी अगर हमने रॉम्बस प्रूव कर दिया तो रॉम्बस की क्वालिटी क्या होती है, यस, They diagonals bisect each other at 90 degree. डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि वो बाइसेक्ट भी करता है उसको और परपेंडिकुलर भी है,
ठीक है, तो जैसे ही हमने बताया कि ये रॉम्बस है, तो आप उसको आंसर बता सकते हो कि जब हमने ये बता दिया कि छोटे वाला ट्रायंगल हम छोटे वाली फिगर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास रॉम्बस है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और उसको परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इसको ओ पॉइंट ले सकते हो, लेना है तो आप लिख सकते हो, लास्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो, देयरफॉर ए ओ इज परपेंडिकुलर टू ई एफ एंड बाइसेक्ट इट एंड बाइसेक्ट ई एफ। जैसे ही आपने बता दिया कि ए ओ उसको बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर है, तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। उन्होंने तो ए डी बोला था क्वेश्चन में कि बोला था कि ए डी कर रहा है, तो आपको पता है ए ओ जो है वो ए डी का ही पार्ट है ना। अगर आपने ए ओ के बारे में प्रूव कर दिया तो ऑफकोर्स वो ई डी के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, अभी कई बच्चे अगर ए ओ की जगह ए डी भी डायरेक्टली लिख देंगे तो भी आंसर ठीक होगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा मेजर पार्ट कर दिया क्वेश्चन का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम क्वेश्चन करते हैं जो शो दैट होता है या ट्रू प्रूव होता है उसको हम सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि ये फिर शो दैट करना था कि परपेंडिकुलर भी हो रहा है बाइसेक्ट भी हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे को थोड़ी सी एक क्लू मिल रहा है कि अगर मैं इसको इस वाली फिगर को रॉम्बस प्रूव कर दूं तो रॉम्बस की मेरी दोनों क्वालिटीज आ जाएंगी, बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी करेगा। फिर हमें सोचना है कि वो रॉम्बस बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। रॉम्बस करने के लिए मेरे को जो अपोजिट साइंस है उनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इक्वल भी करना पड़ेगा पैरेलल भी करना पड़ेगा, तो हमने वो शो किया यहाँ पे सब कुछ, ये सारी चीजें हमें गिवन थी। धीरे 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 आंसर हमारे सामने आ गया। ये यहाँ आपका दिमाग कहाँ लगा? यहाँ पे लगा, इस स्टेप में आपकी जो है वो ज्यादा एफर्ट लगी है कि ये स्टेप हमारे पास कहाँ से आया। बाकी तो सब आपने चीजें गिवन वाली लिखी है ना, कि हाँ ये गिवन था हमने ये लिख दिया, ये गिवन था हमने ये लिख दिया, इनको फिर हमने बराबर कर दिया। ठीक है, एक स्टेप ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था लिखना, जहां पे हमने बताया कि सारी साइड्स आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है आपकी छोटी वाली, जैसे डी ई जो था वो डी एफ ए के इक्वल आ रहा था और डी ई एफ के इक्वल आ रहा था। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिवाइज एट होम, ऐसा क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में। एंड कल संडे है, प्लीज रिवाइज इट। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन कर लो, जो जो क्वेश्चन मेरे को करवाने हैं वो मैं करवाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी। ठीक है, वो होमवर्क के लिए अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए अपने आप, देन यू फील कि आपको चैप्टर समझ आ चुका है। ठीक है, देन यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपको चैप्टर समझ आ गया है एंड आप खुद कर पा रहे हो उसको। ओके बेटे, पहले ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी ने कुछ पूछना है मेरे से? हमें अपनी कोई नोटबुक नहीं भरनी है कि हाँ रजिस्टर में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए। आपका फोकस क्या होना चाहिए कि जो किया है वो समझ आया आपको? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, नो एवरीबडी शर्माना नहीं है, खड़े होके पूछ लो कोई कोई स्टेप, एक स्टेप अगर आपको नहीं समझ आ रहा। मैं साथ साथ में आपको ये भी बता रही हूं कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, जो चीज हमारे से पूछी गई है वहां से अपने सोचना शुरू किया और धीरे धीरे हम वहां पे उसके पास पहुंचना शुरू हुए कि हाँ रॉम्बस के बारे में अगर मैं बता दूंगा तो मेरे को उसकी परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी और मेरा आंसर निकल जाएगा। रॉम्बस के लिए मेरे को अपोजिट साइड इक्वल करनी पड़ी, यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल बहुत आसानी से आ गई क्योंकि मिड पॉइंट दिए हुए थे। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन था, जैसे ही हमें पता चला कि आमने सामने वाली साइड इक्वल है तो मेरे को हाफ हाफ बताने बहुत ईजी हो गए। इज इट क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज इसको रिवाइज करना बेटे, जो किए हुए क्वेश्चन है पहले उनको करना, बाद में होमवर्क वाले क्वेश्चन करना। चलो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी भी है थोड़ा डिफिकल्ट भी है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी।
थर्ड क्वेश्चन पहले करते हैं जो थोड़ा इजी है और आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि मैंने आपसे पूछ के करना है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटे, कम टू थर्ड क्वेश्चन। यू हैव टू गो फॉर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वालिटी मीन्स कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता। क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जानी पहचानी स्टेटमेंट आपको लग रही होगी, ऐसी वाली स्टेटमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस में आती है ना? लेकिन हर एक क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, तो शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो पहले तो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल बनाओ। क्वाड्रिलेटरल की कोई भी शेप हो सकती है ना? आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि पैरेलल बनाना है या क्या बनाना है। जब हमें बताया ही नहीं है कुछ, तो फिर क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स बनानी है बस हमने। ठीक है, उनके नेम लिख दो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, आपको दिया हुआ है इनके मिड पॉइंट्स, सबके मिड पॉइंट ज्वाइन करो। 1, 2, 3, 4। मिड पॉइंट्स को कोई मेजर करने की जरूरत नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, पी क्यू आर एस, मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको शो करना है द लाइन ज्वाइनिंग दिस क्वाड्रेट बाइसेक्ट ईच अदर। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शो करना है ओपी इज इक्वल टू ओ आर। आपको पहले इसको ज्वाइन करो बेटे। पहले तो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, इनको जब ज्वाइन करोगे, ये बता आपने कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं आपको। यहाँ पे आपके ओ पॉइंट है, फिगर मैंने बना दी है। कोई बताएगा मेरे को कि इसमें शो में क्या आएगा, कि क्या शो करना है हमने? OP is equal to OR. यस, ओपी इज इक्वल टू ओ आर। यस, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, ओपी इज इक्वल टू ओ आर एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है बेटे, ये चीज हमने प्रूव करनी है कि अपोजिट साइड्स को हमने जब कर लिया तो उनके ज्वाइन करने से जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अगर पैरेललोग्राम गिवन होता फिर तो चलो इजी होता आपके लिए कि चलो अपोजिट साइड पैरेलल है और हम उसको यूज कर लेते। अब वो क्वाड्रिलेटरल है तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि हम एसी को ज्वाइन कर देते हैं। इसको डॉटेड में ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपने खुद अपने आप एक कंस्ट्रक्शन की, अपने आप लाइंस को ज्वाइन किया है उसको इजी बनाने के लिए। ज्वाइन एसी, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है, देखो आपको जो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं आप इसके मिड पॉइंट्स को मार्किंग कर सकते हो। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अपने आप मार्किंग कर सकते हो। मार्किंग करने से आपको बहुत क्लैरिटी हो जाती है, फिगर समझना शुरू हो जाता है कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो एस आपके पास मिड पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे किसका दिया हुआ है मिड पॉइंट? अब मैं ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ के करना है, ये मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ आया। भावना 9th A, 9th A भावना, वेरी गुड। इफ यू आर देयर आगे आ जाओ। इजी इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इटसेल्फ इजी है। एब्सेंट है, ओके। भूमिका 9th C, नाइन्थ सी भूमिका नहीं है। 9th D विक्रांत,
सारी एब्सेंट है क्या? या आगे आ जाओ, 90 विक्रांत मेरे को दिख रहा है। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ईडी है, यस वेरी गुड बेटा। हाँ मेरे को बताओगे कि यहाँ पे एस किसका मिड पॉइंट है? चलो शुरुआत यहां से करते हैं, एडी का दिख रहा है सबको, एस एडी का मिड पॉइंट है। मम्मी एस राइट डाउन एस इज, विक्रांत बैठ जाओ आप, मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड एस के साथ। आई कैन राइट कि आर भी मिड पॉइंट है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ, आर किसका मिड पॉइंट है? डीसी का, दिख रहा है सबको? जब हमने दो मिड पॉइंट देख लिए तो कौन सी थ्योरम लगने वाली है? मिड मिड पॉइंट थ्योरम। पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगती है? ट्राइंगल में ट्राइंगल में। तो कौन सा ट्राइंगल देखोगे आप, कौन से ट्राइंगल की बात करोगे अगर हमने एस और आर के बारे में लिखा है तो? एसआरपी नहीं डीएसी। यस ईडीसी, ये बड़े वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जब हमने इसकी बात की है तो हम ईडीसी की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये डॉटेड में किया हुआ था मैंने, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, आपको दिख रहा होगा, आप भी अपनी नोटबुक में डार्क इन करो इसको, आपको बहुत क्लियरली मिड पॉइंट थ्योरम सामने दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? एस और आपको, एस और आर मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो आप इनको मिड पॉइंट थ्योरम से आप बहुत क्लियरली लिख पाओगे इसके बारे में कि क्या चीज है वो। एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, एस आर विल बी इक्वल टू किसकी हाफ होगी बेटा? एसी एसी की। यस एसी की हाफ होगी, एस आर इज हाफ ऑफ एसी एंड एस आर इज पैरेलल टू एसी। दोनों चीजें बता दो क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से हमें यही पता है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे लिख भी दो रीजन, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके एंड इधर से ये चीज तो हमने बता दी, सेम आप नीचे वाले ट्रायंगल के बारे में भी बता दो, सेम चीज आप नीचे वाले ट्रायंगल के बारे में बताओ। लेकिन अभी मैं किसी न्यू स्टूडेंट से पूछना चाहती हूँ, सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट कैसे लगाएंगे? कामना 9 थी, ओके बताओगे मेरे को बेटे? अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें तो हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे? P is mid point of AB, यस QR is mid point of BC, वेरी गुड, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. एक्सेलेंट। इसलिए हमने सिमिलरली लिख दिया, सिमिलरली वी कैन से पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड ए सी एंड जो है पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। दोनों चीजें हमने बता दी सिमिलरली, जैसे हम लिख देते हैं तो इसका मतलब वो सारे के सारे स्टेप्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए वो कैसे आया, ठीक है बेटे? अब ये भी एसी थी यहाँ पे, यहाँ भी हाफ ऑफ एसी था, यहाँ भी हाफ ऑफ एसी है, तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है, कौन बताएगा? श्रुति 9th B एब्सेंट, मैम एब्सेंट कोहिनूर 9th B एसआर इज पैरेलल टू पीक्यू। यस, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ये पता चल गया कि वो उसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, बहुत क्लियरली दिख रहा है सबको। दोनों हाफ ऑफ एसी के इक्वल भी थे, पैरेलल भी थे, तो हमने अपनी कंडीशन लगा ली उस पे कि हमें छोटी वाली जो साइड्स हैं एस आर और पी क्यू वो भी आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे, ठीक है? और जैसे ही आपको पता है
वो आपस में पैरेलल हैं, तो कौन सी कंडीशन बता सकती हो, क्या होंगे वो आपस में, क्या शेप आएगी उसकी? कोई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। सबको पता चल गया ये पैरेललोग्राम है? टेल मी यस, बैठे बैठे ही बोल दो, यस वी हैव कम टू नो, यस वेरी गुड। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने अगर एक पेयर भी, एक पेयर का मतलब कि एक साइड की जो अपोजिट साइड्स हैं, दो पेयर बनते हैं अपोजिट साइड्स के, अगर हमने एक पेयर भी बता दिया कि वो आपस में इक्वल है और पैरेलल है, तो हम बता सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एस आर पी क्यू, एस आर क्यू पी, क्योंकि हमने ऑर्डर में नेम देना है उसका, इज अ पैरेललोग्राम। कई बच्चे इसको पी क्यू आर एस लिखेंगे, वो भी लिख सकते हैं, या वैसे लिखते हो कोई बात नहीं, इज अ पैरेललोग्राम। आपने ये प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम है। अब वो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम के डायग्नोस की क्या कंडीशन होती है, डायग्नोस कैसे होते हैं उसके? इक्वल एंड बाइसेक्ट दे आर नॉट इक्वल, बाइसेक्ट तो करते हैं, इक्वल नहीं होते। ओके सो दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो आप बता सकते हो कि जो है एस ओ एस, यहाँ पे पहले कंडीशन लिख लो आप, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो ताकि आप जब बाद में करोगे आपको समझ आ जाएगा। सिंस डायग्नस, डायग्नस ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर डायग्नल्स कौन से बन रहे हैं, आपको दिख ही रहा है कि अंदर वाले डायग्नल्स बन रहे हैं, एस क्यू और ओ, अंदर वाला आर पी, दो ही डायग्नल्स हैं, इसलिए आप बता सकते हो कि ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ठीक है बेटे। हमने जो शो करना था वो निकल गया है। ओके क्वेश्चन आपके सामने है, कर लोगे इसको? प्लीज रिवाइज करना बेटा, ये वाले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इनको आपने खुद करना है, अपने आप एक बार देख के और एक बार बिना देखे, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है? आपको प्रैक्टिस भी चाहिए ना अपने करने की। चलो अभी आपका एक सेकंड क्वेश्चन रह गया है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको करवा रही हूँ, इसको आप फिर घर पे एक बार दोबारा रिवाइज करना, कल इसको नोट डाउन कर लो। चलो स्टार्ट करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द, फिर से मिड पॉइंट्स वाली बात आ रही है, तो जैसे जैसे उन्होंने बोला है वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, अभी ट्रेपेजियम आ गया यहाँ पे, तो ड्रॉ इट। ट्रेपेजियम भी एक पैरेललोग्राम होता है, आपको पता है? ठीक है, ये ट्रेपेजियम होता है, आपको पता है ट्रेपेजियम की शेप? पता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ दिस ट्रेपेजियम, डायगनल्स ज्वाइन करो, ठीक है, इसका नेम लिखो ए बी सी डी, ओके, और इसका करना है डायग्राम। P एंड Q इसके मिड पॉइंट्स है, इसके मिड पॉइंट्स ले लो, यहाँ पे P ले लो, यहाँ पे Q ले लो, उसका मिड पॉइंट है, डायगनल्स का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स बताया था ना, पैरेलल टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स, PB, PQ ले लो इसको बेटा, ज्वाइन कर लो PQ, P और Q जो है वो डायगनल्स के मिड पॉइंट है,
ठीक है बेटे। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है पी क्यू जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल है। टू प्रूव लिखो, गिवन लिख लो पहले, गिवन ए बी सी डी इज आर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ठीक है। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, कोई क्वालिटी बताओगे इसके, ट्रेपेजियम के क्या लिख सकते हैं उसके बारे में? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड नॉट इक्वल एंड वन आर इक्वल बट नॉन पैरेलल। यस, तो दीज आर नॉट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। ये तो श्योर कंडीशन है कि श्योर ट्रेपेजियम है, तो ऐसा होना ही है, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है बेटा, जो प्रूव करना है हमने, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, डीडी मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। जो प्रूव करना है आपने, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, आपको बताया गया था कि अपोजिट साइड की पैरेलल है, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब आपको श्योर है कि अगर ए बी और डी सी वैसे तो आपस में पैरेलल ही हैं, तो अगर एक के भी पैरेलल बता दोगे तो ऑफकोर्स दूसरे के भी पैरेलल होगा ही होगा, पता ही आपको, क्योंकि आपस में वो पैरेलल होती हैं साइड्स। एंड दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है कि पी क्यू जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ, उनके एबी डिफरेंस के इक्वल है, ए बी माइनस डी सी। ये भी प्रूव करना है आपको, दो चीजें हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हमने कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना फिर हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको डीपी को ज्वाइन करना है, ज्वाइन डीपी एंड इसको आर तक लेके आओ। यहाँ पे आर पॉइंट है नीचे, ज्वाइन डीपी एंड एक्सटेंड इट टू आर ऑन ईबी। ठीक है, ईबी के ऊपर एक हमने आर पॉइंट लिया है, वहां तक इसको एक्सटेंड करना है। ओके बेटा, नाउ अब आपको दिया हुआ है इसमें, पहले हम एंगल 1 2 3 4 पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो आपने फिर यूज करने हैं। इसको लिख लो बेटे एंगल 1, और ये आपका एंगल 3 ऊपर वाला, और पी पे जो आपका एंगल बन रहा है, दिस इज पी, ए पी आर की बात कर रही हूं मैं, जो 3 एंगल है। ठीक है बेटे, और इसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल 4, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 और 4, जो कि वर्टिकली अपोजिट की शेप में बनाना। अगर मेरी डायग्राम में नहीं समझ आ रहा है, आप खुद ड्रॉ करना कि 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट की शेप में ड्रॉ करना उसको। ठीक है, एक आपने एंगल 2 बताना है जो कि यहाँ पे है, क्योंकि हमें लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, तो हमें बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, अभी टाइम भी होने वाला है, मैं आपको जल्दी से सॉल्यूशन बता देती हूँ, और ताकि आप घर पे इसको रिवाइज कर पाओ। सी, सबसे पहले आपके पास ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है, मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, इसका मतलब कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल्स बने, ये रीजन क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, या वेरी गुड। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब आप ट्राइंगल ले लो ए पी आर, ए पी आर इन ट्राइंगल ए पी आर एंड नीचे वाला और ऊपर वाला ट्राइंगल डी पी सी, डी पी सी। ठीक है, इनको बेटे आपने करना है कॉन्ग्रुएंट, डीपीसी दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है, और जब आप इसको कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये आपके ए एस ए से कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी आपकी, ए एस ए से। इसको मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, अभी आपका टाइम भी होने वाला है। ए एस ए से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए पी आर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी सी। ठीक है बेटे, प्लीज इसको ट्राई करना, ये आपकी होमवर्क है कि वो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, सबको पता है। एंगल्स मैंने सामने लिखे भी हुए हैं, 3 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 एंड 2 आपका वो बनेगा या ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, और ए पी इज इक्वल टू सी पी आपको दिख रहा है सामने, क्योंकि पी मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ए एस ए से इसको कॉन्ग्रुएंट करना, जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट करोगे आपके पास आ जाएगा ए आर, जो लेंथ है आपके पास आ जाएगी ए आर
इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी सी डी, एंड पी आर आपके पास आ जाएगी पी डी। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा? सीपी सी टी से। जब आप दो ट्राइंगल इक्वलेंट बता देते हो तो सीपी सी टी से उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पता है ना आपको? ठीक है, तो अब आपने डी आर बी ट्राइंगल लेना है। डी आर बी जो आपके पास है, जस्ट अ मिनट, इसको आपने ड्रॉ करना पड़ेगा। डी आर डी ए बी, सॉरी, ओके, यस बेटा, पार्डन, मेरे को सुन नहीं रहा बेटा, क्या कह रही हो? टाइम इज ओवर, इट्स ओके। तो बेटा इसको ट्राई करना, हाफ क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, प्लीज इसको ट्राई करना, ठीक है? एंड होमवर्क वाले जो क्वेश्चन है, assertion, reason और वो, प्लीज ट्राई। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय मैम, बाय बेटा, बाय। आगे